अच्छा, जितने भी लोग GB व्हाट्सएप यूज करते हैं तो उनमें एक प्रॉब्लम बहुत दिन से इशू आ रहा है, वो ये है कि अगर आप GB व्हाट्सएप यूज करते हो तो डेफिनेटली उसमें आपको एड देखने को मिल रहा होगा, वो चाहे GB व्हाट्सएप के चैट सेक्शन में हो या फिर ग्रुप के सेक्शन में हो या फिर आपको स्टेटस देखने के टाइम हो, तो आपको पार्टिकुलर वहां पे एड देखने को मिल रहा हो। और यहाँ पे आपको बैनर एड और भी बहुत सारे एड्स देखने को मिलते हैं, वो चाहे वीडियो एड हो, जो कि वीडियो एड होता है तो हमें काफी डिस्टर्बिंग करता है चैट करने के टाइम। तो अगर आप इस चीज को छुटकारा चाहते हो और आप GB व्हाट्सएप यूज करते हो और आप चाहते हो कोई आपको ऐसा ट्रिक मिल जाए जिसकी मदद से आप GB व्हाट्सएप पर चैट करते समय या GB व्हाट्सएप को यूज करते समय आपको एड ना दिखे, यानी एड खत्म हो जाए, ऐसा कोई ट्रिक मिल जाए, तो यार इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इस वीडियो में बताने वाला हूं एक ऐसा कमाल का ट्रिक जिसकी मदद से अगर आप GB व्हाट्सएप यूज करते हो और GB व्हाट्सएप में आने वाले एड से परेशान हो और उसे रिमूव करना चाहते हो तो आप इस चीज से मुक्त हो सकते हो, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज रोहित और स्टार्ट करते हैं। वो जान लो यार, अगर आप GB व्हाट्सएप का नया वर्जन यूज करते हो तो डेफिनेटली आपको ये इशू आ रहा होगा कि भाई GB व्हाट्सएप में आपको एड देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आपको एड कई प्रकार के देखने को मिलते हैं, वो चाहे बैनर एड हो या फिर स्टिकर एड हो या फिर वीडियो एड हो, तो ये आपको हर तरह का एड यहाँ पे शो कर दिया जाता है। अब यार आप इस चीज से मुक्त होना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो के बताए हुए ट्रिक को पूरे लास्ट तक फॉलो करना होगा, तभी आप ऐसा कुछ कर पाओगे। तो यहाँ पे ट्रिक की बात करें तो ट्रिक कुछ इस प्रकार है कि अगर आप GB व्हाट्सएप का नया वर्जन यूज करते हो तो डेफिनेटली उसे आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। डेफिनेटली अगर आप अनइंस्टॉल कर देते हो तो आपके मन में एक डाउट होगा कि भाई अगर हमने GB व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दिया तो इससे हमें एड का मुक्ति कैसे मिल गया, तो बताता हूँ भाई। तो आप GB व्हाट्सएप आप यूज करते हो या जिसमें आपको एड देखने को मिल रहा है उसे आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। आपको एक नया वर्जन का GB व्हाट्सएप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसमें आपको एड देखने को नहीं मिलेगा। टेंशन मत लीजिए, आपका जितना भी चैट होगा सारा आप बैकअप करके ही अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले आप अपने GB व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दीजिए। इसके बाद आपको आना होगा आपके अपने क्रोम ब्राउजर या जो ब्राउजर आप यूज करते हो, आपको वहां पे आ जाना होगा। और वहां पे आने के बाद आपको सर्च के सिंबल में क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप कर देना होगा GB व्हाट्सएप विदाउट एड या नो एड, तो आप ये डाल दीजिए। इसके बाद इसे सर्च कर दीजिए, आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे जहां पे आपको बिना एड वाले GB व्हाट्सएप मिल जाएंगे। बट यहाँ पे आपको करना क्या होगा, आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो जहां पे आपको GB व्हाट्सएप पे एड शो ना हो या आपको ऐसा कोई वर्जन वाला GB व्हाट्सएप मिल जाए जहां पे आपको एड ना दिखे, तो आपको सबसे पहले एक ऑप्शन मिल जाता है, एक वेबसाइट देखने को मिल जाता है, तो आप उस पर क्लिक कीजिए। और उस पर क्लिक करने के बाद आप कुछ इस प्रकार के इंटरफेस में आ जाओगे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड का सिंबल देखने को मिलता है, तो आप इस डाउनलोड के सिंबल पे क्लिक करके आप आसानी से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, यानी GB व्हाट्सएप को डाउनलोड कर सकते हो। अब यार इस GB व्हाट्सएप को डाउनलोड करने का रीजन ये है कि ये इस वर्जन पे आपको एड देखने को नहीं मिलेगा। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आप इस व्हाट्सएप को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप अपना फोन नंबर डाल के साइन अप कर लीजिए। साइन अप होने के बाद आप सेम टू सेम अपने इंटरफेस में आ जाओगे जहाँ पे आपको बिना एड के चैट करने का सेक्शन देखने को मिल जाता है, यानी अब आप इस वाले वर्जन पे जो है चैट करोगे या स्टेटस देखोगे या ग्रुप पे चैट करोगे आपको कोई भी एड देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको GB व्हाट्सएप का इस वाले वर्जन का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पे आप क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। बाकी और कोई ट्रिक नहीं है कि आप जो है कोई ट्रिक करके जो है GB व्हाट्सएप में ऐड को स्किप कर सकते हो, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। आपको उस वाले वर्जन को अनइंस्टॉल करके नया वर्जन को डाउनलोड करना पड़ेगा GB व्हाट्सएप में, जिसमें आपको ऐड देखने को नहीं मिलेगा। तो यार बस यही कुछ ट्रिक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो तब तक के लिए बाय बाय।